हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में दिया है, ज़रूर देखिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का। सो लेट स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स, तो हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये काफ़ी शॉर्ट में है, लेकिन हम इसे लॉन्ग में डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द सेकेंड इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द थर्ड इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन सभी क्लासिफिकेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी स्टडी की और उसके बेसिस पे सबने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया। तो चलिए देखते हैं पहला, विच इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन हैबिट, हैबिटेट एंड फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें किस बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उनके हैबिट्स के, हैबिटेट के और उनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जो उनकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उस बेसिस पर हम उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं। चलिए सबसे पहले किया था एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एरिस्टोटल ने कैसे किया क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल्स, एरिस्टोटल ने डिवाइड किया एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी में फ्लूइड पाया जाता है उसके बेसिस पे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज एनाइमा एंड एनेमा। एनाइमा विदाउट रेड ब्लड और एनेमा विथ रेड ब्लड, ये दो कैटेगरी थी फर्स्टली जो एरिस्टोटल ने डिवाइड किया जिसमें एनिमल्स को, ठीक है। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती, और एक वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती। बेसिस ऑफ हैबिटेट, जो उन्होंने किस पे किया था, उन लोगों उन ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के आधार पर। हैबिटेट मीन्स जहाँ वो रहते हैं, जिस उनकी लिविंग हैबिट्स के बेसिस पर। तो फर्स्ट है एक्वेटिक, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एरियल, एरियल में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो ज़्यादातर हवा में रहते हैं, मीन्स फ्लाइंग एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने भी कौन सा किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन दिया था। इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस ने जो डिवाइड किया प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, इन्होंने भी उनकी लिविंग हैबिट्स के बेसिस पर प्लांट्स को डिवाइड किया। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिवाइड किया था और थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स ने। तो इन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने थ्री टाइप के प्लांट्स में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्हें हमने अभी लास्ट वीडियोस में पढ़ाई है, लास्ट चैप्टर में, कि इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दिया और कैसे सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया। अब देखिए लीनियस ने क्या किया, एरिस्टोटल ने सिर्फ एनिमल्स को डिवाइड किया था, थियोफ्रेस्टस ने सिर्फ प्लांट्स को डिवाइड किया था, लेकिन लीनियस ने क्या किया, सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड, ऑल ऑर्गेनिज्म, उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ पर पाए जाते हैं उन्हें डिवाइड किया दो कैटेगरीज में। द फर्स्ट इज प्लांटी, जिसमें सभी प्लांट्स आते हैं, एंड द सेकेंड इज एनिमेलिया, जिसमें सभी एनिमल्स आते हैं। अब इन्होंने किस बेसिस पे किया था ये क्लासिफिकेशन, इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे किया। जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की प्रेजेंस पाई गई उन ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्लांटी ग्रुप में रखा, और जिनमें एब्सेंस पाई गई सेल वॉल की उन्हें एनिमेलिया ग्रुप में रखा। तो इस तरीके से इन्होंने दो पार्ट्स में दो डिवीज़न किए ऑल ऑर्गेनिज्म के, दैट इज़ प्लांटी एंड एनिमेलिया। फर्दर जो इन्होंने डिवीज़न किया वो था 24 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। लीनियस डिवाइड प्लांट्स इन 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। फ्लावर के पार्ट होते हैं ये दोनों,
इट इज नोन एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ड्यू टू बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। लीनियस का ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसे हम सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया था। दैट इज स्टेमन एंड कार्पल, दीज आर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिट, हैबिटाट और कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको डिवाइड किया, उनका क्लासिफिकेशन किया। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे।